नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रोहित कुमार। मैं अपने लेक सिटी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बताएंगे, ठीक है दोस्तों, प्लास्टर से रिलेटेड वीडियो है दोस्तों। इसमें बटकड़ा किस प्रकार से घुमाया जाता है, फिनिशिंग किस प्रकार से दी जाती है दोस्तों, लकड़ी के मस्तर से किस प्रकार से फिनिशिंग दी जाती है, पूरी डिटेल के साथ बताएंगे दोस्तों। वीडियो पर बने रहेगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों, अंदर के प्लास्टर के लिए रेशो क्या रखे हैं, कन्फ्यूज होते हैं कई मकान मालिक, कई ठेकेदार वगैरह वगैरह, उनको पता नहीं होता है अंदर के प्लास्टर का रेशो क्या रखे हैं, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से कुछ है इस वीडियो में दोस्तों। जैसे कि अंदर के प्लास्टर का रेशो क्या रखना चाहिए मैक्सिमम, यानी कि जैसे 4 तगारी रेत हो गई और 1 तगारी सीमेंट, यानी कि 5 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट भी रख सकते हैं दोस्तों, और 6 तगारी रेत और 1 तगारी सीमेंट ऐसा नहीं रखना चाहिए दोस्तों। वो काफ़ी फीका प्लास्टर होता है, बाद में ठीक है दोस्तों जड़ने लगता है, जो कि अच्छा नहीं रहता है, ठीक है, मकान के लिए। अपना मकान एक बार बना रहे हैं दोस्तों, उसी प्रकार से प्रॉपर तरीके से लेबर कारीगरों को, उनको ध्यान नहीं रहता, वो कम भी और ज़्यादा भी डाल देते हैं, उनके भरोसे नहीं रहे दोस्तों। कृपया आप इस मकान बनते हुए आप ध्यान दें, ठीक है दोस्तों। यहाँ तक क्लियर है आपको, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है दोस्तों। प्लास्टर करने से पहले दोस्तों मकान ये रूम की साफ़ सफाई कर ले, उसके बाद है ना पानी से अच्छी तरह को ईंटों से भिगो ले दोस्तों, उसी प्रकार से बाद में फिर प्लास्टर करें दोस्तों, ठीक है। नहीं तो आप ईंटें सूखी होगी तो प्लास्टर पकड़ नहीं करेगा, प्लास्टर गिरने लगेगा दोस्तों। उसके बाद प्लाई करने के बाद सीमेंट का पतला गोल नहीं छाटे दोस्तों, जाड़ा जाड़ा गोल थोड़ा सा, मतलब नहीं जाड़ा नहीं पतला गोल छाटें दोस्तों, ताकि उससे क्या प्लास्टर की पकड़ रहती है, ठीक है दोस्तों। मसाला और छापने का तरीका भी अलग होता है, जैसे कि दोस्तों जो मतलब कम गीला मसाला नहीं छापना चाहिए दोस्तों, गीला मसाला छापना चाहिए, उससे क्या मसाले की पकड़ रहती है, ठीक है दोस्तों। मसाला छापने के बाद पट्टी वट्टी फेर देने के बाद दोस्तों इस प्रकार से यह मिस्त्री वर्क कर रहे हैं, देख लीजिए दोस्तों। ये रूसा कहीं कहीं अलग अलग देशों में, स्टेट में, अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग चीज़ें भी बोलते हैं, जैसे कहीं रूसा बोलते हैं, कहीं मस्तर बोलते हैं, कहीं बटकड़ा बोलते हैं, ठीक है दोस्तों, जो कि इस प्रकार से घुमाया जाता है। यदि आप मकान बना रहे हैं दोस्तों तो आप प्लास्टर में बहुत सी जानकारी ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। एक मसाले का प्रॉपर तरीके से 5 एक का अंदर के मसाले के लिए, अगर रूम के अंदर का प्लास्टर करवा रहे हैं आप, तो है ना 5 एक का मसाला लें, यानी कि 5 भाग रेती और 1 भाग सीमेंट, ठीक है, जो कि 5 तगारी रेती 1 तगारी सीमेंट होती है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। उसी प्रकार से मसाला बनाएं और लेबर कारीगरों को कहें कि मसाला फीका यूज़ नहीं करें, अच्छा तरीके से हम यूज़ करें, और बटकड़े को इस प्रकार से फेरा जाता है, ठीक है दोस्तों। इस प्रकार से फिनिशिंग दी जाती है। और हमारा वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना, ठीक है दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।